संघर्ष करो, अरविंद जी संघर्ष करो, जय हिंद जय भारत। हम लोग 5 साल में एक बार वोट डालने जाते हैं। जिन नेताओं को आप और हम संसद पहुंचाने के लिए लाइन में रखते हैं, उन्हीं नेताओं से अपना काम कराने के लिए गिड़गिड़ाते ही रहते हैं। हम एक माचिस भी खरीदते हैं तो उस पर टैक्स देते हैं, लेकिन सोचिए आपके और हमारे अपने टैक्स के पैसे से ऐश करते हैं हमारे नेता लोग। हम अपना हक मांगते हैं तो हमें डंडे खाने पड़ते हैं, चाहे मकान का नक्शा बनवाना हो या कोई और रजिस्ट्रेशन करवाना हो, राशन कार्ड बनवाना हो या लाइसेंस बनवाना हो। यहाँ बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता। बच्चों का एडमिशन करवाना हो, अस्पताल में इलाज करवाना हो तो भी रिश्वत दो। मैंने सुना है जब मिला सरकार से 5 लाख अनुदान, जब मिला सरकार से 5 लाख अनुदान, नई बोलेरो में बैठ के आए गांव के प्रधान। अरे वाह मैडम, आप तो सत्ताई कमाल का भाषण देते हो। अब मैडम ने इतना अच्छा भाषण दिया है तो मैडम के लिए जोरदार तालियां बजा देते हैं। तो समाज सेविका रखती हो और ये कुर्ता पहन के क्रांतिकारी बनने चली है। मुझे ये बताओ तुम्हारे इस तरह चीखने चिल्लाने से इन सब समस्याओं का समाधान मुमकिन है क्या? हाँ मुमकिन है, पर इसके लिए हम सबको एक साथ आकर जल लोकपाल की मांग करनी होगी। पर बताओ ये जल लोकपाल से होगा क्या? जब देखो सब्जियां महंगी हो जाती है, अब तो भाइयों बिजली भी महंगी हो गई। अब क्या बताओ इस लोकपाल से ये सब सस्ता होगा क्या? इस महंगाई और बदहाली का कारण है भ्रष्टाचार, और जल लोकपाल द्वारा हम भ्रष्टाचारी रूपी दीमक को अपने देश से खत्म कर पाएंगे। जल लोकपाल से देश की जनता यानी कि हम सब वाकई में देश के मालिक बनेंगे। हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो इन भ्रष्टाचारियों भ्रष्ट नेताओं से लड़ सके। कितना भी बड़ा घोटाला करो, मंत्री करे या संतरी करे, 4 से 5 साल की सजा भुगतो, उसके बाद सारा पैसा कानूनन आपकी जेब में। आपसे कोई कुछ पूछने वाला नहीं होगा। हमारे यहाँ के कानून में तो ए राजा सुरेश कलमाड़ी जैसे भ्रष्टाचारी नेताओं को जमानत भी मिल जाती है। हमारे देश में सीबीआई को बने लगभग 50 साल से ज्यादा का समय हो गया, और इस 50 साल के इतिहास में सीबीआई आज तक केवल 3 भ्रष्ट नेताओं को जेल तक पहुंचा पाई है। जब एक 74 साल का बुजुर्ग जैसी चले जान की बाजी लगाते हुए पीछे नहीं हटता, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जिन्होंने हम सबके भविष्य के लिए अपनी आईआईटी इंजीनियरिंग और इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ दी, और इन भ्रष्ट नेताओं को जेल पहुंचाने के लिए शुगर होने के बावजूद आमरण अनशन पर बैठेंगे, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस निर्णायक जंग में हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करें? जनलोकपाल बिल पास करो, 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 जनलोकपाल बिल पास करो। जनलोकपाल के बिना अधूरा जनता का सम्मान है, जनलोकपाल के बिना अधूरा जनता का सम्मान है। इन
जिनकी आशाओं पर खरे उतरे और इस जोश को वास्तविक रूप में आगे तक दिखाएं। कृपया जोरदार तालियां बजाएं। इस उम्र में भी इतना जोश है इनमें, ये किसी भी सामाजिक कार्य के लिए पीछे नहीं हटते। मैं अनुरोध करूंगा, भारत माता की वंदे वंदे, इंकलाब इंकलाब, अरविंद जी संघर्ष करो, अन्य तुम संघर्ष करो। दोस्तों, जिस रास्ते पर हम लोग चले हैं उस रास्ते के लिए अरविंद जी और हम सब एक ही बात कहते हैं, अन्ना जी भी ये कहते हैं कि खुशी से चल पड़ेंगे राहों में अगर शूल मिल जाए। अरे खुशी से चल पड़ेंगे राहों में अगर शूल मिल जाए, हम सांसें रोक लेंगे घर महकता फूल मिल जाए, और रखेंगे उम्र सारी हम सजाकर आरती के थाल में, कर भारत माता के चरणों की हमको धूल मिल जाए। इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए, इस मस्तक को और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। इसीलिए आप लोग इन 15 मंत्रियों के जो सरदार है, कौन है वो आप जानते हैं? 15 मंत्रियों के जो भ्रष्ट मंत्री, उनके सरदार कौन है वो आप जानते हैं? इसलिए वहां तक मैं एक बात पहुंचाना चाहता हूं, और उसके बाद मैं आपके बीच में गोपाल राय जी को यहां पर आमंत्रित करूंगा। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि यू तो हमने अपने घर दुश्मन को भी सम्मान दिया। मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूं, और किसको बोल रहा हूं तैयार हो जाना, किसके लिए कह रहा हूं और पूरा समर्थन देना, कि यूं तो हमने अपने घर दुश्मन को भी सम्मान दिया, जब भी पड़ी जरूरत हमने खुलकर दिल से दान दिया। यूं तो हमने अपने घर दुश्मन को सम्मान दिया, जब भी पड़ी जरूरत हमने खुलकर दिल से दान दिया। फिर भी छुप कर वार करे तो ये उसकी कायरता है, फिर भी छुप कर वार करे तो ये उसकी कायरता है। सच तो ये है कि मन ही मन में वो हमसे डरता है, हिम्मत है तो जरा सामने आकर दुश्मन दिखलाए, कर देंगे नस्ते नाबूद उसे भारत माँ के जाए। लोकपाल बिल पर कोई भी शर्त हमें मंजूर नहीं, लोकपाल बिल पर। और अगली पंक्ति में क्या कहना, हाथों को आसमान को लहरा देना अगर हो सके हमारी कामयाबी मिल जाए, कि लोकपाल बिल पर कोई भी शर्त हमें मंजूर नहीं, लोकपाल बिल पर कोई भी शर्त हमें मंजूर नहीं। वरना याद रखो मनमोहन, दिल्ली हमसे दूर नहीं, वरना याद रखो मनमोहन, दिल्ली हमसे दूर नहीं। या तो दिल्ली तुम भी शामिल हो जाओ कतारों में, या तो दिल्ली तुम भी शामिल हो जाओ कतारों में, या वो जोश दिखा दो जो तावीर शिवा सरदारों में, या वो जोश दिखा दो जो तावीर शिवा सरदारों में। मंगल पांडे जैसी आंधी आज नजर ये आती है, अश्फाकुल्ला गांधी जैसी आज नजर ये आती है, अश्फाकुल्ला जैसी आंधी आज नजर ये आती है। हमें जो 1857 की है, माना अंग्रेजों ने उनका बर्बरता से दमन किया, माना अंग्रेजों ने उनका बर्बरता से दमन किया, फिर भी वीर शहीदों को बच्चे बच्चे ने नमन किया। मगर आज तो जगह जगह पर शिखंडियों का शासन है, इसीलिए तो गली गली में दौड़ रहा दुशासन है। धृतराष्ट्र बन बैठा राजा दिल्ली के सिंहासन पर, धृतराष्ट्र बन बैठा राजा दिल्ली के सिंहासन पर। फिर उसको क्या खबर की कितने खां हमा के दानम पर, फिर उसको क्या खबर की कितने घाव हमा के दामन पर। पहन चूड़ियां घूमो या तो दिल्ली के बाजारों में, पहन चूड़ियां घूमो या तो दिल्ली के बाजारों में, पहन चूड़ियां घूमो या तो दिल्ली के बाजारों में, या वो जोश दिखा दो जो तावीर शिवा सरदारों में, या वो जोश दिखा दो जो तावीर शिवा सरदारों में, या वो जोश दिखा दो जो तावीर शिवा सरदारों में। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। और दोस्तों हमारे बीच में कोर कमेटी के मेंबर आदरणीय गोपाल राय जी हमारे बीच में है, वे अपनी बात रखेंगे। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, जिस तरह से 80 घाव लेकर के राणा सांगा युद्ध भूमि में लड़ते थे, उसी तरह से आज अपने इस गर्दन के पीछे जीवित गोली लेकर के हमारे इस आईएससी मेंबर
घूम रहे हैं पूरी कोर कमेटी के साथ पूरे देश के अंदर, ना जिनके खाने का पता, ना पीने का पता, ना सोने का पता, ऐसे गोपाल राय जी हमारे। मैं उनकी कोई तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मेरी आंखों में आंसू आ जाता है जब मैं इनको देखता हूं। कोई इनको हाथ पकड़ के उठाता है, कोई हाथ पकड़ के चलाता है, लेकिन इस देश को चलाने की कोशिश करें कि देश जग जाए, देश जग जाए, इसीलिए अपनी जीवित गोली बुलेट लेकर अपनी गर्दन में लेके घूम रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को सैल्यूट करता हूं। एक बार जयकारे के साथ उन्हें आमंत्रित करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे इंकलाब। भाई अरविंद केजरीवाल जी मंच पर उपस्थित, सम्मानित यहां के नागरिकों, इस सभा में उपस्थित बुजुर्गों, माताओं, बहनों और नौजवान दोस्तों, आज इस मंदिर के प्रांगण में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। कई बार साथियों ने चर्चा की 25 जुलाई से जंतर मंतर पर अन्ना हजारे जी के मार्गदर्शन में अन्ना टीम अनिश्चितकालीन फिर अनशन करने जा रही। पिछले एक साल के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन चला, शायद भारत में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पहली बार यह हुआ कि पूरे देश के अंदर सभी जाति, धर्म, क्षेत्र, प्रांत, भाषा के लोगों ने, चाहे वो बंगाली बोलने वाला भारतीय हो, चाहे वो गुजराती बोलने वाला भारतीय हो, चाहे वो मलयालम बोलने वाला भारतीय हो, चाहे वो तमिल बोलने वाला भारतीय हो, चाहे वो कश्मीरी बोलने वाला भारतीय हो, एक साथ इस भारत को भ्रष्टाचार मुक्त कराने के लिए लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर के भारत माता की जय, वंदे मातरम और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए हिंदुस्तान के सड़कों पर जो कारवां दिखा था, शायद 1942 के बाद पहली बार दिखा। क्यों लोग लड़ना चाहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ? आखिर हिंदुस्तान में ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई जिन नौजवानों के बारे में कहा जाता था कि नौजवान आज केवल संगीन सेक्स की रंगीलियों के अलावा कुछ भी नहीं सोचता, अगर कुछ सोचते भी हैं तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरियों के बारे में सोचते हैं। वो तरुणाई क्यों इस देश के अंदर अपनी नौकरियों पर लात मार करके, छुट्टियां लेकर के लोगों ने अपने काम बंद किए, लोगों ने अपने दुकान बंद किए और इस भारत से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए सड़क पर आए? आखिर क्यों आए? इस आप जानते हो यह देश अंग्रेजों का गुलाम था। इस देश के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ भारत ने जितनी कुर्बानियां दी, दुनिया के कम मुल्कों ने इतनी कुर्बानियां दी होगी। आप सोचो, जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव फांसी के फंदे पर चूमने जा रहे थे, सामने मौत का मंजर था, उन नौजवानों को पता था कि हमारी आखिरी सांस है, जिस क्षण हमारे गर्दन में फांसी का फंदा लटकेगा हमारे जीवन का अंत हो जाएगा। लेकिन वो क्या सपना था? वो क्या सपना था राजू दौला का? वो क्या सपना था झांसी की रानी का? वो क्या सपना था बेगम हजरत माल का? वो क्या सपना था बहादुर शाह जफर का? वो क्या सपना था 1857 के उन वीरों का? आपके इन इलाकों के खाप पंचायतों ने, गांव के हमारे लाखों पुरखों ने कुर्बानी दे करके 1857 को जीत दिलाई थी। क्या सपना था उन शहीदों का? आपको लड़ना है, आपको जीतना है देश की खातिर। अगर यह जीत होती है तो नया हिंदुस्तान बनेगा, अगर यह जीत होती है तो नया इंसान बनेगा। उस जीत की खातिर अपनी ताकत को लगाओ, 25 तारीख की तैयारी में लगो और हम सब लोग फिर मिलेंगे उसी मोड़ पर जिसको कहते हैं जंतर मंतर। इनकलाब जिंदाबाद। वंदे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। साथियों, पिछले एक साल से अन्ना जी के नेतृत्व में सारे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आंदोलन चल रहा है। हम लोग देश भर में घूम रहे हैं।
इस आंदोलन ने सारे देश को जोड़ के रख दिया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म, हर जाति के लोग इस आंदोलन के साथ जुड़ गए हैं। 2 साल पहले हम आपस में बात किया करते थे कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, ये देश तो कूड़े में जाएगा। आज लोग आपस में बात करते हैं कुछ हो तो सकता है, अपनी जिंदगी में ही हो सकता है। कई लोग पूछते हैं हमसे कि 1 साल के इस आंदोलन में क्या मिला, लोकपाल बिल तो नहीं आया अभी, अभी बड़ा लंबा सफर है, बड़े ढीठ हैं ये लोग, काफी लंबा समय लगेगा। लेकिन एक बात जरूर हुई है, सारा देश जो निराशा के अंदर डूबा हुआ था, अब लोगों को आशा नजर आने लगी है कि कुछ हो तो सकता है इस देश का। ये बहुत बड़ी बात हुई है 1 साल के अंदर। पिछले 1 साल से क्या मांग रहे हैं हम लोग, क्या मांग रही है इस देश की जनता? हम मांग रहे हैं कि एक जन लोकपाल बिल लाओ, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त कानून लाओ। क्या कहता है ये जन लोकपाल बिल? ये मोटे मोटे तौर पे 2 बातें कहता है। एक बात तो ये कि हमारे देश के अंदर अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो उसको सजा मिलने का कोई चांस ही नहीं है। आजकल कलमाडी को बेल हो गई, राजा को बेल हो गई, कनिमोई को बेल हो गई, सबको बेल हो जाती है, जेल किसी को नहीं होती है। तो पहली बात इस कानून में लिखी है, अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो 6 महीने में जांच करो, 1 साल के अंदर मुकदमा पूरा करो, ताकि 1.5 से 2 साल के अंदर भ्रष्टाचारी आदमी को जेल हो, उसकी संपत्ति जब्त की जाए और उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। दूसरी बात इस कानून में लिखी है, जब आप किसी भी दफ्तर में काम कराने जाते हो, आपसे पैसे मांगते हैं, राशन कार्ड बनवाना हो, इनकम टैक्स का रिफंड लेना हो, विधवा पेंशन लेनी हो, वृद्धावस्था पेंशन, कुछ भी काम कराना हो, चक्कर पे चक्कर लगवाएंगे, जब तक पैसे नहीं दोते तब तक काम नहीं करते। इस कानून में लिखा है कि हर काम की समय सीमा तय करो, ये काम इतने दिन में होगा ये अफसर करेगा, ये काम इतने दिन में होगा ये अफसर करेगा। वो अफसर उतने दिन में काम ना करे तो उसकी लोकपाल की जिम्मेदारी होगी कि उसकी तनख्वाह काट के आपको मुआवजे के रूप में दी जाए और आपका काम 1 महीने में किया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मोटे मोटे तौर पे ये 2 बातें हैं अन्ना के लोकपाल बिल में। लेकिन सरकार को दोनों बातें ही पसंद नहीं है, दोनों बातें ठुकरा दी सरकार ने, कहते हैं दोनों बातें नहीं होंगी। 1 साल हो गया इनके साथ झक मारते मारते, हम लोगों को धोखे पे धोखा, हर कदम पे धोखा दिया है सरकार ने। मनमोहन सिंह खड़े होके कहते हैं हम सख्त लोकपाल लाएंगे। अब ये जो लोकपाल बिल संसद में लेके आए हैं, मनमोहन सिंह का जो लोकपाल बिल है इसकी भी सुन लो। मनमोहन सिंह का लोकपाल बिल क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर लोकपाल बन गया और आपने जाके लोकपाल में शिकायत करी भाई हमारे यहां भ्रष्टाचार हो गया, और आपकी शिकायत में पर्याप्त सबूत नहीं हुए तो आपको 2 साल की जेल हो सकती है। मान लो आप राशन कार्ड बनवाने गए, वहां पे आपसे पैसे मांगे, आपने जाके लोकपाल में शिकायत की, जी मेरा राशन कार्ड नहीं बना रहे, पैसे मांग रहे हैं, तो वो कहेंगे सबूत दिखाओ, आप कहोगे जी सबूत तो है नहीं मेरे पास, तो आपको 2 साल की कैद हो सकती है। ये मनमोहन सिंह जी के लोकपाल बिल में लिखा है। और अगर आपने सबूत दे दिए और भ्रष्टाचार साबित कर दिया तो वो भ्रष्टाचारी अफसर को 6 महीने की कैद होगी, शिकायत करने वाले को तो 2 साल की कैद और भ्रष्टाचार करने वाले को 6 महीने की कैद। ये कानून हमारे खिलाफ है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है ये कानून? दूसरी बात इस कानून में लिखी है, इनके दिल में भ्रष्टाचारियों के लिए बहुत दया है। इन्होंने इसका अभी तक क्या था कि अगर कोई भ्रष्टाचार करता था तो उसको अपना वकील खुद करना पड़ता था, पकड़ा जाता था। तो मनमोहन सिंह ने कानून में लिखा है कि अब कोई भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा गया तो सरकार उसको मुफ्त में वकील देगी। तो अब ए राजा को सरकार मुफ्त में वकील देगी, कलमाडी को मुफ्त में वकील देगी सरकार। ये मनमोहन सिंह का सख्त लोकपाल कानून है। और ऐसा नहीं कि कांग्रेस खिलाफ है, इसके सारी पार्टियां इस कानून के खिलाफ हैं। कोई पार्टी नहीं चाहती, बीजेपी नहीं चाहती, समाजवादी पार्टी, बसपा, कोई पार्टी नहीं चाहती। सबने भ्रष्टाचार कर रखा है। जिस पार्टी को मौका मिला उसी पार्टी ने देश को लूट लिया, जिस नेता को मौका मिला उसी नेता ने इस देश को लूट लिया। जब यह संसद में बिल आया तो मुलायम सिंह जी खड़े हुए,
कहते हैं कि अगर अन्ना हजारे का जन लोकपाल बिल पारित हो गया तो दरोगा हम सारे लोगों को पकड़ के जेल में डाल देगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दरोगा शरीफ आदमी को जेल में डालता है कि चोर को जेल में डालता है? शरीफ को जेल में डालता है कि चोर को? चोर को। तो मुलायम सिंह जी को क्यों लगा कि उनको जेल में डाल देगा? और वो अपने लिए नहीं कह रहे थे, कहते हम सबको जेल में डाल देगा, सबका पता है उनको जितने संसद में बैठे हैं। सुषमा स्वराज खड़ी हुई, सुषमा स्वराज कहती है सीबीआई को स्वतंत्र करो, सीबीआई को स्वतंत्र करो, सीबीआई बड़ी बड़ी अच्छी बात है, हम भी कह रहे हैं सीबीआई को स्वतंत्र होनी चाहिए, सीबीआई स्वतंत्र। सीबीआई 50 साल पहले बनी थी, किस लिए बनाया था सीबीआई को? इसलिए बनाया था कि सीबीआई बड़े बड़े भ्रष्ट मंत्रियों को पकड़ के जेल में डाले, इसलिए बनाया था सीबीआई को। 50 साल के अंदर सीबीआई ने 3 छोटे छोटे नेताओं को जेल भिजवाया, अभी तक केवल 3 नेताओं को, नर बहादुर सिंह भंडारी, सुखराम और बंगारू लक्ष्मण। बड़े बड़े राक्षस देश को लूट रहे हैं, किसी को सीबीआई ने जेल नहीं भिजवाया। क्यों? सीबीआई ऐसा नहीं कि सीबीआई में अच्छे अफसर नहीं है, बहुत अच्छे अफसर है। सीबीआई उन्हीं मंत्रियों के अंडर में काम करती है जिनके खिलाफ उसको एक्शन लेना है। तो अपने बॉस के खिलाफ अपने बॉस को तो जेल भिजवा नहीं सकती। तो इसीलिए सुषमा स्वराज बोली सीबीआई को सरकार से स्वतंत्र करो, हम भी कह रहे हैं सीबीआई को स्वतंत्र करो। लेकिन जब संसद के अंदर संशोधन प्रस्ताव रखने की बात आई तो बीजेपी के संशोधन प्रस्तावों के अंदर सीबीआई को स्वतंत्र करने की बात ही नहीं लिखी हुई थी। भाषण देते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, उनको लगता है भाषण देने से जनता बेवकूफ बन जाएगी, लेकिन जब संसद के अंदर संशोधन प्रस्ताव रखने की बात आती है तो वो नहीं करते। बीजेपी ने धोखा दिया हम लोगों के साथ। उनको ये नहीं पता था कि ये टीम अन्ना वाले लोकसभा से जाके संशोधन प्रस्ताव निकलवा लेंगे और जनता के बीच में जाके बीजेपी की पोल खोल देंगे। तो बीजेपी भी धोखा दे रही है। एक और पार्टी की बात बताता हूं, जिस दिन संसद के अंदर ये प्रस्ताव आया उससे 2 दिन पहले एक पार्टी के नेता से हमने पूछा, जी ये जब संसद में आएगा तो आपकी पार्टी क्या करेगी? कहते हम बिल्कुल आपके साथ हैं, अन्ना जी के साथ हैं, आप लोग कह रहे हो ये कानून बहुत खराब है, हम इसका विरोध करेंगे संसद के अंदर। जिस दिन संसद में ये कानून आया तो शाम को हम टीवी देख रहे थे तो देखा कि जब वोटिंग का टाइम आया तो उस पार्टी के सारे संसद उठ के संसद के बाहर चले गए। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, जी 2 दिन पहले तो नेताजी कह रहे थे कि हम सारे इसका विरोध करेंगे। तो अगले दिन मैंने फोन करके पूछा, जी क्या हुआ, आपके सारे पार्टी के सांसद जो है वो संसद के बाहर उठ के क्यों चले गए? कहते बाथरूम आ गया था। सारे सांसदों को एक साथ एन वोटिंग के टाइम बाथरूम आ गया था, पैसे खा गए, इसका मतलब उन्होंने पैसे खा लिया उनके उनसे। संसद के अंदर बैठ के ये पैसे खा के वोटिंग करते हैं, सौदेबाजी करते हैं संसद के अंदर, हम इनको वोट दे के संसद में पहुंचाते हैं और ये सौदेबाजी करके, ये जनतंत्र है? धोखा है हम लोगों के साथ। कोई पार्टी लोकपाल बिल के फेवर में नहीं है, कोई पार्टी नहीं चाहती कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून आए। हमने बहुत सोचा क्यों नहीं ला रहे, सारा देश कह रहा है लोकपाल बिल लाओ, सारा देश कह रहा है अन्ना का लोकपाल बिल लाओ, क्यों नहीं ला रहे ये लोग? तो पता चला कि ये मनमोहन सिंह जी के अंडर में 34 मंत्री हैं उनके मंत्रिमंडल के अंदर। इन 34 में से 15 मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगे हुए हैं कि आज अगर ये लोकपाल बिल पास कर दें तो कल ये 15 जेल चले जाएं, 15 के 15 मंत्री। कोई अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहता, इसलिए लोकपाल बिल नहीं ला रहे ये लोग। तो अब ये साफ लगने लगा, ये समझ में आने लगा कि पहले इन 15 मंत्रियों को ठीक करना पड़ेगा, फिर लोकपाल बिल आएगा। तो अब ये लड़ाई 25 जुलाई से जो है इन 15 मंत्रियों को ठीक करने की लड़ाई है, पहले इनको ठीक करना पड़ेगा। इन 15 मंत्रियों में सबसे ऊपर किसका नाम है? मनमोहन सिंह का। यहां जितने लोग बैठे हैं उनमें से किसको जिन जिन को लगता है मनमोहन सिंह ईमानदार है जरा हाथ खड़ा करें। एक आदमी को लगता है, वो पीछे उनको लगता है भाई मनमोहन सिंह ईमानदार है। और किसी को भी लगता है मनमोहन सिंह ईमानदार है? जिस जिसको लगता है मनमोहन सिंह बेईमान है हाथ खड़ा करें। सबको लगता है मनमोहन सिंह बेईमान है। मैं आपके सामने जरा कुछ उनकी कारस्तानियां रख देता हूं, आप लोग तय कर लेना ईमानदार है कि बेईमान। नहीं कह रहा ईमानदार है कि बेईमान। 2006 से 2009 तक मनमोहन सिंह हमारे देश के कोयला मंत्री भी थे, प्रधानमंत्री भी थे, कोयला मंत्री भी थे। 3 साल के अंदर उन्होंने हमारे देश की कोयले की खदानें बिना नीलामी किए, बिना टेंडर निकाले, जिस कंपनी को मन में आया उसको उठा के हमारे देश की कोयले की खदानें दे दी। 4 खदानें इनको दे दी, 3 खदानें इनको दे दी, 10 खदानें उनको दे दी। अब इनसे कोई भाईचारा या रिश्तेदारी तो थी नहीं,
उनको क्यों दी 10 खदाने? इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। मनमोहन सिंह जी कहते हैं मैं ईमानदार हूं, देखने में हमें भी ईमानदार लगते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार तो हुआ, तो वो पैसा कहां गया? या तो कांग्रेस पार्टी में गया या किसी और नेता ने कमाया। हम कह रहे हैं जांच तो करो, होनी चाहिए कि नहीं जांच होनी चाहिए? जांच तो होनी चाहिए। उस टाइम कोयले का बाजार भाव था 2000 रुपए टन, मनमोहन सिंह ने इन कंपनियों को 100 रुपए टन के हिसाब से दे दिया कोयला। तो हमारे देश का जो ऑडिटर है, ऑडिटर जनरल, सीएजी कहते हैं उसको, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, उसने रिपोर्ट बनाई है कि 3 साल के अंदर मनमोहन सिंह ने 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया सरकार को, 2 लाख करोड़ का। कोयला सचिव जो थे वो बार बार फाइल पे लिख रहे थे जी नीलामी करो, इसकी नीलामी करो, देश को नुकसान हो रहा है। मनमोहन सिंह नहीं माने, उन्होंने जिसको मन में आया उठा के खदाने दे दी। तो जब हमने ये बात कही तो मनमोहन सिंह जी ने माना इस बात को, उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस रिलीज जारी की, उन्होंने माना कि हाँ हमने सस्ते में दी थी कोयले की खदाने, लेकिन हमने इसलिए सस्ते में दी थी कि ये बिजली बनाने वाली कंपनियां सस्ते में बिजली बना के जनता को सस्ते में बिजली दे सके। बड़ी अच्छी बात, हम भी चाहते हैं कि जनता को सस्ते में बिजली मिले। तो फिर अभी दिल्ली में बिजली के दाम क्यों बढ़ा दिए भाई? 2006 में से 3 साल तक तुमने इनको सस्ते में कोयला दिया था, तो बिजली के दाम तो कम होने चाहिए थे, बढ़ा क्यों दिया अभी दिल्ली में? और दूसरा, हमने इनकी वेबसाइट पे, हमको तो आश्चर्य हुआ, इनकी वेबसाइट पे जाके देखा तो पता चला इन्होंने बिजली बनाने वाली कंपनियों को कोयला नहीं दिया था, अंडरवियर बनाने वाली कंपनियों को कोयला दिया था, गुटखा बनाने वाली कंपनियों को कोयला दिया था, कैसेट बनाने वाली कंपनियों को कोयला दिया था। अब वो अंडरवियर बनाने वाली कंपनी ने 100 रुपए में मनमोहन सिंह से कोयला खरीदा और अगले दिन 2000 रुपए में बाजार में बेच दिया। फायदा तो सारा अंडरवियर बनाने वाली कंपनी ले गई, जनता को तो बिजली महंगी की महंगी मिली। तो जब हमने ये बात उठाई तो मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि अगर एक भी आरोप मेरे खिलाफ साबित हो गया तो मैं संन्यास ले लूंगा। तो हमने कहा जी आरोप साबित हो गया तो हरिद्वार थोड़ी, तिहाड़ जाना पड़ेगा फिर, तो संन्यास थोड़ी लोगे फिर तो तिहाड़ जाना पड़ेगा। लेकिन आरोप साबित होगा कैसे? जांच तो करानी पड़ेगी। कहते हैं जांच नहीं कराएंगे, सीबीआई से जांच कराएंगे। कहते हैं सीबीआई से जांच, सीबीआई तो आप ही के अंडर में है, आप ही रिपोर्ट लिखोगे सीबीआई की, जो मर्जी रिपोर्ट लिख दो, 6 महीने बाद कह देगी सीबीआई मनमोहन सिंह ने कोई बेईमानी नहीं की, बड़ा ईमानदार प्रधानमंत्री, हो गई सीबीआई की जांच। हमने कहा सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बिठा दो, कोई भी 3 ईमानदार जज बिठा दो सुप्रीम कोर्ट के, उनसे जांच करा लो। कहते सुप्रीम कोर्ट के जजों से जांच नहीं कराएंगे, हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, प्रशांत भूषण भ्रष्ट है, किरण बेदी भ्रष्ट है। हमने कहा ठीक है सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बिठा दो, हमारी भी जांच करा लो और अपने 15 मंत्रियों की भी जांच करा लो। टीम अन्ना के किसी भी सदस्य के खिलाफ एक भी आरोप साबित हो जाए तो जितनी सजा कानून में लिखी है उससे दुगनी सजा दे देना हम लोगों को। जांच तो कराओ, हमको जांच से डर नहीं लगता, आपको जांच से डर क्यों लगता है? इसका मतलब दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला है, सारी की सारी दाल ही काली है। प्रणब मुखर्जी साहब देश के राष्ट्रपति बनने वाले हैं, इनके ऊपर तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। 2007 के अंदर हमारे देश की सरकार ने कुछ गरीब देशों को चावल का निर्यात किया, उसमें 2500 करोड़ रुपए का घपला हो गया। घाना की सरकार, घाना एक छोटा सा देश है अफ्रीका में, घाना की सरकार ने जांच कराई, जांच में घपला निकला, घाना की सरकार ने भारत की सरकार को 7 पेज की चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी की कॉपी हमारे पास है, हमने अभी 15 दिन पहले सारे मीडिया में बांट दी थी। उस चिट्ठी में घाना की सरकार ने लिखा भारत की सरकार को कि आप अपने विदेश मंत्री और वाणिज्य मंत्री की जांच कराइए। विदेश मंत्री कौन था उस टाइम? प्रणब मुखर्जी। आप ये सोचो घाना एक छोटा सा देश है, एक छोटे से देश की इतनी हिम्मत कि भारत सरकार को चिट्ठी लिखे कि आप अपने विदेश मंत्री की जांच कराइए, क्या इज्जत रह गई भारत की दुनिया के अंदर? मुझे लगता है आजादी के बाद ये अकेला ऐसा वाक्या होगा जब किसी और देश की सरकार ने भारत को लिखा कि आप अपने इस मंत्री की जांच कराइए। जिस आदमी ने सरेआम भारत की इज्जत दुनिया के अंदर डुबो दी वो आज हमारे देश का राष्ट्रपति बनने वाला है। मैं ये सोच रहा था कि कल अगर वो राष्ट्रपति बन गए और अगली साल 26 जनवरी को हमने घाना के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बुला लिया
तो क्या मुंह लेके दोनों हाथ मिलाएंगे एक दूसरे से? पांच में प्रणब मुखर्जी साहब देश के रक्षा मंत्री थे। रक्षा मंत्री होते हुए इन्होंने फ्रांस की एक कंपनी से 18,000 करोड़ रुपए की पनडुब्बी खरीदी, सबमरीन पनडुब्बी खरीदी नौसेना के लिए 18,000 करोड़ की। प्रणब मुखर्जी साहब ने दस्तखत किए उस पे। जो फ्रांस की कंपनी थी उसके चेयरमैन और एक दलाल के बीच में कुछ चिट्ठी पत्री हुई, ईमेल कहते हैं उसको, ईमेल हुई। वो ईमेल की कॉपी हमारे हाथ लग गई। इनकी किस्मत खराब है, वो आउटलुक मैगजीन में भी छप गई। उस ईमेल में लिखा हुआ है कि ये दलाल उस कंपनी के चेयरमैन को कह रहा है कि 18,000 करोड़ रुपए का 4% आप कांग्रेस पार्टी में जमा करा दो तो ये ठेका आपको मिल जाएगा। फिर वो फ्रांस की कंपनी का चेयरमैन वापस लिखता है कि पैसे का इंतजाम हो गया, कागज पत्री शुरू करो, और ठेका उनको मिल जाता है। जब आउटलुक मैगजीन में ये छपा तो ये मांग हुई कि भाई जांच तो कराओ। प्रणब मुखर्जी कहते जांच नहीं कराएंगे, हम बार बार कह रहे हैं कि देश को लूट लिया, जांच तो कराओ कम से कम। कहते हैं जांच नहीं कराएंगे। क्या मांग कर रहे हैं, जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसलिए लोकपाल बिल नहीं बना रहे हैं लोग। लोकपाल बन जाता तो इन सबकी जांच शुरू हो जाती, क्योंकि लोकपाल सरकार के अंडर में नहीं होता, लोकपाल अलग होता। तो अब ये हमें समझ में आने लगा, जब तक इन मंत्रियों को ठिकाने नहीं लगाएंगे, इनको ठीक नहीं करेंगे, तब तक लोकपाल नहीं आने वाला। ये सारे के सारे मामले लोकपाल में चले जाते हैं, प्रधानमंत्री का भी, प्रणब मुखर्जी का भी। कपिल सिब्बल साहब को रिलायंस के ऊपर 650 करोड़ की पेनल्टी लगानी थी। अफसर बार बार फाइल पे लिख रहे थे 650 करोड़ की पेनल्टी लगाओ जी, 650 करोड़ की पेनल्टी लगाओ। कपिल सिब्बल साहब ने फाइल पे लिख दिया कि 5 करोड़ की पेनल्टी लगा दो और छोड़ दो। वो रिलायंस वाला चाचा तो लगता नहीं था इनका कि 5 करोड़ की, 645 करोड़ की पेनल्टी क्यों छोड़ी? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई। हम कह रहे हैं जांच तो कराओ, कहते हैं जांच नहीं कराएंगे। सलमान खुर्शीद जी खड़े हुए, जिस दिन हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा मामला खोला था, सलमान खुर्शीद जी कहते हैं ये टीम अन्ना वाले बकवास कर रहे हैं, कोई जांच नहीं होगी। हमने कहा जी आपका तो खुद का नाम है इन 15 मंत्रियों के अंदर, चोर खड़ा होकर कहेगा जांच नहीं होगी तो हमारे पुलिस थाने चलिए, पुलिस पकड़ के लाएगी चोर को, कहेगा चोर कहेगा नहीं नहीं मैंने चोरी नहीं की, जांच नहीं होगी। ऐसे चलेगा हमारे देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम? सोनिया गांधी जी कहती हैं कि ये टीम अन्ना वाले जो कह रहे हैं सब बेबुनियाद है, कुछ भी तथ्य नहीं है इनकी बात में। मैं बताता हूं तथ्य कैसे है। हमने वीरभद्र सिंह जी के खिलाफ भी आरोप लगाया था, जो सबूत हमने पेश किए उन्हीं सबूतों के आधार पर अभी शिमला की एक कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि वीरभद्र सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दायर किया जाए, मुकदमा चलाया जाए हमारे सबूतों के आधार पे। और वीरभद्र सिंह जी को इस्तीफा देना पड़ा, एक विकेट तो डाउन हुआ। अगर ये 3 जजों की वो बना दे, 3 सुप्रीम कोर्ट के जजों की, तो हमें पूरा विश्वास है इन 15 के 15 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ेगा, इनको जेल होगी, इनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। इतने ठोस सबूत हम लोगों ने जनता के सामने प्रस्तुत किए। तो हमारी पहली मांग ये है, 25 जुलाई को हम क्यों अनशन पे बैठ रहे हैं, पहली मांग ये है कि ये जो 15 मंत्री हैं, आप 3 सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंच बिठाओ, इन 15 मंत्रियों की भी जांच कराओ और टीम अन्ना के सारे सदस्यों की जांच करा लो। लेकिन प्रधानमंत्री ये मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी चीज हमें समझने की जरूरत है, आज हमारे देश के अंदर इतनी महंगाई है, क्यों है इतनी महंगाई? दूध पिलाना मुश्किल हो गया, दाल खरीदना मुश्किल हो गया, सब्जी खरीदना मुश्किल हो गया, घर चलाना मुश्किल हो गया एक आम आदमी को। बहुत सोचा मैंने कि क्यों है इतनी महंगाई, कोई 2 साल में जनसंख्या तो बढ़ नहीं गई इतनी ज्यादा, और इन 2 सालों में कोई प्रोडक्शन तो कम हो नहीं गई हमारे देश की। अलग अलग बहाने देते हैं, एक साल कहते हैं मनी सप्लाई कम हो गई, मनी सप्लाई बढ़ गई, कुछ समझ में नहीं आता। किसी दिन कहते हैं मानसून अच्छा आ गया इसलिए महंगाई हो गई, अगले साल कहते हैं मानसून खराब आ गया इसलिए महंगाई हो गई, कुछ समझ नहीं आता इनका। महंगाई बढ़ती जाती है कुछ भी हो जाए। धीरे धीरे समझ में आने लगा कि महंगाई का एक ही कारण है और वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार है इसीलिए महंगाई है, जानबूझ के महंगाई कर रखी है इन लोगों ने। कैसे? अभी पेट्रोल के 7.5 रुपए दाम बढ़ाए हैं इन्होंने, बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो पेट्रोल के ऊपर 33 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल कम किए जा सकते थे। कैसे किए जा सकते थे समझो अच्छी तरह। हमारे देश की केंद्र सरकार का टोटल बजट 14 लाख करोड़ रुपए है,
और सारी राज्य सरकारों का टोटल बजट मिला के 10 लाख करोड़ है। टोटल कितना हो गया? 24 लाख करोड़। इन 24 लाख करोड़ में से आपके हिसाब से साल में कितना प्रतिशत भ्रष्टाचार में चोरी हो जाता होगा? 24 लाख करोड़ में से कितना प्रतिशत चोरी हो जाता होगा? 80%, 70%, मैं कह रहा हूं 5% मान लो, 5 तो होता होगा, इसमें तो किसी को शक नहीं है, मंजूर है 5%? मंजूर है। 24 लाख करोड़ रुपए का 5% हुआ 1.25 लाख करोड़ रुपया, तो 1.25 लाख करोड़ रुपया तो कम से कम चोरी होता है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत है 71 रुपए, 71 रुपए में 33 रुपए तो टैक्स के लगते हैं और 38 रुपए का तेल है। आप पूरे देश में जब भी पेट्रोल खरीदते हो तो प्रति लीटर आपको 33 रुपए टैक्स के देने पड़ते हैं, तो सरकार पूरे देश से पेट्रोल बेच के 70,000 करोड़ रुपए का टैक्स इकट्ठा करती है। अगर ये 1.25 लाख करोड़ रुपए बच जाते तो ये 70,000 करोड़ रुपए पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स लेती है सरकार, ये माफ किया जा सकता था, 33 रुपए प्रति लीटर कम किया जा सकता था। और अगर पेट्रोल पे 33 रुपए प्रति लीटर कम हो जाता और इसी तरह से डीजल पे 16 रुपए कम किया जा सकता था, पेट्रोल और डीजल पे अगर पैसा कम हो जाता तो दाल भी सस्ती हो जाती, सब्जी भी सस्ती हो जाती, दूध भी सस्ता हो जाता, क्योंकि किराया बसों का और ट्रकों का और ट्रांसपोर्ट का किराया सस्ता हो जाता। और हम इनको चैलेंज करते हैं अगर झूठ बोल रहे हैं हम लोग तो। मैं टैक्स डिपार्टमेंट में काम करता था पहले, ये बड़ा अच्छा समझ में आता है मेरे को। किसी भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के आदमी को यहाँ भेज दे और हम उनसे वाद विवाद कर सकते हैं कि 33 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल पे कम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन ये करेंगे नहीं। लूट तंत्र है, जानबूझ के महंगाई कर रखी है, क्योंकि ये हमारे देश के जनता को लूट रहे हैं और ये लूट का सारा पैसा स्विस बैंकों में जा रहा है। अंग्रेज पहले हमको लूटते थे और सारा पैसा लंदन जाता था, अब ये लोग हमको लूटते हैं और सारा पैसा स्विस बैंकों के अंदर जा रहा है। इसीलिए अन्ना जी कहते हैं बार बार कि आजादी की दूसरी लड़ाई है। अंग्रेज तो चले गए, आजादी नहीं मिली अभी हम लोगों को। हमारी संसद के अंदर 162 सांसद ऐसे बैठे हैं जिनके ऊपर हत्या के आरोप हैं, ठगी के आरोप हैं, अपहरण के आरोप हैं। ऐसे ऐसे लोग बैठ के संसद के अंदर हमारे देश के कानून बना रहे हैं। एक दिन मैंने एक मीटिंग में कहीं बोल दिया कि हमारी संसद में कुछ हत्यारे बैठे हैं, तो कहते हैं इस लड़के की भाषा बड़ी खराब है। तो मैंने सोचा कि मैं जवान आदमी हूं, कई बार भाषा फिसल जाती है, जोश जोश में बोल दिया होगा। मैंने घर आके बहुत सोचा, भाई जिसने हत्या करी उसको क्या बोलेंगे? हत्यारा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मेरे को तो समझ नहीं आया। बहुत सोचा भाई अगली बार भाषण देंगे तो हत्यारा नहीं बोलेंगे, मेरे को तो समझ ही नहीं आया कि हत्यारा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। तुम तो हत्या करो, हत्या करके आके संसद में बैठ जाओ और हम आपको हत्यारा कह दे तो हमारी भाषा भी खराब हो गई, तुम्हारा हत्या करना भी खराब नहीं हुआ? कहते अभी तो आरोप लगे हैं, आरोप सिद्ध नहीं हुए। हमने कहा 25 साल लगेंगे आरोप सिद्ध होने में, आरोप तो सिद्ध होंगे ही नहीं। कहते हो सकता है 25 साल में छूट जाए, हमने कहा बिल्कुल हो सकता है छूट जाए, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना छूटे। आप ये सोच के देखो कि 162 में से 50 लोगों के खिलाफ भी 25 साल के बाद ये साबित हो गया कि इन्होंने हत्या कर रखी थी, तो 25 साल तक 50 हत्यारे हमारी देश की संसद के अंदर बैठ के हमारे लिए कानून बनाते रहे। क्या लोकतंत्र रह गया, क्या जनतंत्र रह गया, क्या आजादी रह गई? धोखा ही धोखा है। तो हमारी दूसरी मांग ये है कि 162 लोगों के खिलाफ 25 साल हम इंतजार नहीं करेंगे, 6 महीने के अंदर इनका निपटारा करो, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ, 6 महीने में निपटारा करो। जिन जिन लोगों ने गुंडागर्दी कर रखी है, हत्या कर रखी है, अपहरण कर रखी है, इनको सबको जेल भेजो और जो निर्दोष है उनको संसद के अंदर बिठाओ। मंजूर है? ये पत्र हमने प्रधानमंत्री जी को लिखा था, उनका जवाब आया हमारे पास, दोनों बातें नामंजूर है उनको। कहते हैं ना तो जांच करवाएंगे 15 मंत्रियों की और ना इन 162 सांसदों के खिलाफ कोर्ट बनाएंगे, दोनों बातें उन्होंने नामंजूर कर दी। तो साथियों हमारे पास अब और कोई चारा नहीं बचा है 25 जुलाई से अनशन करने के सिवा। 25 जुलाई को अनशन तो होगा, देशव्यापी आंदोलन होगा, जैसे पहली आजादी की लड़ाई में युवाओं ने आके आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, युवाओं ने बलिदान दिया था, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सब लोग युवा थे, ये लोग, इन लोगों ने बलिदान दिया था। इसी तरह से इस दूसरी आजादी की लड़ाई में भी युवाओं को बलिदान देने के लिए आगे आना पड़ेगा। बलिदान मांग रहा है अब देश, अब बिना बलिदान के ना भ्रष्टाचार कम होने वाला ना महंगाई कम होने वाली। जब मैं ये बात कहता हूं तो कई लोग कहते हैं आपको तो डायबिटीज है, आप कैसे अनशन पे बैठोगे?
तो मैंने कहा जी बलिदान देने का अधिकार तो सबका, ये कहां लिखा है कि जो डायबिटीज नहीं है बलिदान केवल वो देंगे? बलिदान तो डायबिटीज वाले भी देंगे, ये अधिकार तो सबको है। तो यहां जितने लोग डायबिटीज वाले बैठे हैं उनकी भी मुक्ति नहीं है, सबको जंतर मंतर पहुंचना पड़ेगा। एक पत्रकार ने पूछा मेरे से, कहता है जी आप 25 जुलाई को जंतर मंतर बैठोगे जनता आएगी? मैंने कहा जी मैं कोई नेता तो हूं नहीं कि मेरे पीछे 1,00,000 आदमी है, मैं तो आम आदमी हूं, भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं, महंगाई से पीड़ित हैं, मैं तो 25 जुलाई को बलिदान देने जंतर मंतर पहुंच जाऊंगा, जनता जाने जनता आएगी कि नहीं आएगी। साथियों ये धर्म युद्ध है, जैसे कुरुक्षेत्र के अंदर कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था, पांडवों के पास कुछ नहीं था, कौरवों के पास पूरी सेना थी, शासन था, प्रशासन था, हमारे पास भी कुछ नहीं है, हम कुछ लोग थे, कुछ नहीं है हम लोगों के पास, लेकिन सरकार के पास पूरा शासन है, प्रशासन है, सेना है, सीबीआई है, आईबी है, पुलिस है, सब कुछ है उनके पास। लेकिन पांडवों के पास एक चीज थी, कृष्ण भगवान उनके साथ थे। हमारे साथ भी एक चीज है, हमारी सच्चाई, हमारी ईमानदारी और भगवान हमारे साथ है। ये जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ ये हमारी वजह से नहीं हुआ, हमारी तो औकात ही नहीं है, बहुत छोटे लोग हैं हम लोग, हमारी वजह से ये आंदोलन नहीं हुआ। ये इतना बड़ा जो आंदोलन हो गया, सारा देश इकट्ठा हो गया, मेरे को पूरा विश्वास है ऊपर से कोई दैवी शक्ति है जो इस आंदोलन का संचालन कर रही है, इसलिए ये पूरा आंदोलन इतना बड़ा बना। कई लोग पूछते हैं आपका आंदोलन सफल होगा, मुझे तो पूरा यकीन है कि भगवान असफल नहीं हो सकता, अगर भगवान इस आंदोलन का संचालन कर रहा है तो ये आंदोलन सफल होगा ही होगा, भारत भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा ही बनेगा। कब होगा ये मुझे नहीं पता, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर पता है कि सफलता मिलेगी, उस सफलता को देखने के लिए हम जिंदा होंगे कि नहीं होंगे ये नहीं पता। तो साथियों तय आप लोगों को करना है, आप लोग कौरवों के साथ हो कि आप लोग पांडवों के साथ हो कि 25 जुलाई को घर में बैठ के टीवी देख रहे होगे, ये तय अब आप लोगों को करना है। अंत में दुष्यंत कुमार की कुछ कविता है, पंक्तियां हैं, मैं ये बहुत ही क्रांतिकारी कविता है, मैं एक एक लाइन बोलूंगा आपको मेरे पीछे पीछे, अगर आप दोहराएंगे तो मैं गाऊंगा इसको, गाऊं मैं? हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस लाइन का मतलब है कि हमारे देश की पीड़ा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो हिमालय जितनी बड़ी हो गई है, और इतनी ज्यादा पीड़ा इतनी आवाज से तो नहीं पिघलने वाली, आप लोगों की आवाज से तो चूहा भी नहीं मरने वाला, आवाज तो इतनी बुलंद हो कि आपकी आवाज से कम वो हिमालय टूट जाए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो।